हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, श्री रामचंद्र की जय। गुड़ी बोलो जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान लाइव विद प्रिया। तो आज मैं वेलकम करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। आज है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू, ऑल माय फैमिली मेंबर्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 5:15 और हम जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? दशहरा सेलिब्रेशन। तो अभी हमने रावण परचेज किया हुआ है, मैं कल ही एक रावण लेके आए थे मैं और ज्योति जाकर, तो अभी हम उसको जलाने वाले हैं। और गुड़िया क्या करने वाली है बेटू, क्या करने वाला है बेटू? हाय गाइस, तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ क्योंकि हमें टेरेस पर करना है रावण का जो दहन होता है पूरा, और पूरी सब चीज है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें अरेंज करना है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये है हमारा रावण, इसकी हाइट 5 फीट से थोड़ी सी लमसम कम है। और यहाँ पे हैं बहुत सारे पटाखे, ये पटाखे लेके आए हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें है ये अनार, ये अनार का पूरा पैकेट ले लिया है, इसके ऊपर अरेंज करने वाले हैं। एंड ये है जो कहते हैं ना फुलझड़ी, ठीक है वो है ये। एंड ये छोटे वाले धरती बम बोलते हैं वो है ये। एंड इसके साथ में है बॉम्ब, छोटे छोटे स्मॉल वाले बॉम्ब्स होते हैं वो है ये, और काफ़ी छोटा साउंड करते हैं ये। और ये है चटाई, चटाई वाली होते हैं वो, ये 4 पैकेट है। तो अब इसमें हम अरेंज करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो अरेंज करके दिखाती हूँ मैं किस तरीके से अरेंज करने वाले हैं ये चीज़ है। और इस साथ में न्यूज़पेपर एंड लकड़ी जिसकी हेल्प से हम करने वाले हैं। इसको बोलते चटाई। हेलो हेलो, या आवाज आ रही है? हाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। डर दे कचरा फेंक दे, भी इसी के अंदर डाल देना, छोड़ दो, 4-5 ही डाल देती हूँ बस, बस ज़्यादा नहीं, भट्टो भट्टो भट्टो। अब अनार चेक कर देना, टेप से लगा के ये रख रहे हैं। रुको रुको रुको, क्या कर रहा है रौनक? सारे लगा रहे हैं। है रौनक, क्या कर रहे हो आप? अनार बना, दिवाली है बना रहे हैं, दिवाली। हैं हवा ना इस साइड की है, पता आपको? मौसम बहुत शानदार हो रहा है जिससे हमारा रावण गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, पूछो मत। रौनक तो दिवाली मना रहा है, पूछा क्या कर रहा है? ईंट आसपास, ईंट लगा दो। प्रिपेयर, मैंने इसके हैंड में कनार लगा दिए, हेड पर लगा दिया है और इस साइड लगा दिया, जैसे क्या है थोड़ा फुलझड़ी से इसको हम जलाएंगे। हाँ बेटू,
और ये इस तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। और इसके अंदर दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या फिल किया हुआ है। इसके अंदर फिल किया है मैंने न्यूज़पेपर और ये मैंने टाइल्स रख दी क्योंकि इसका वेट आगे पीछे हो रहा है। और इसमें मैंने ये लकड़ी लगाई हुई है, इसके ऊपर न्यूज़पेपर है एंड काफ़ी सारे इसे पटाखे डले हुए हैं इस तरीके छोटे छोटे पटाखे एंड चटाई वाले जो होते हैं बॉम्ब वगैरह। अनार ओनली 3 लगाए मैंने, ज़्यादा नहीं लगाए क्योंकि ज़्यादा लगाने का कोई वो नहीं था। और मैंने ये कल ही परचेज़ किया है तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर आतिशबाजी वगैरह पर रोक है तो इसलिए रावण सेलिब्रेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो ये हमारा रावण प्रिपेयर हो चुका है और कुछ देर में ये आपके साथ में इसका दहन करने वाले हैं हम। और ये काफ़ी हिल रहा है, बहुत ज़्यादा आज हवा आ रही है, आपको मेरे हेयर देख के पास चलोगे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इस टाइम टेरेस पर। और इस टाइम बच चुके हैं अप्रॉक्सीमेट 6, तो अभी थोड़ी देर में हम दहन करेंगे और करेंगे सेलिब्रेशन दशहरा का। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ में, स्टे ट्यून्ड विद माय ब्लॉग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री रामचंद्र की जय। गुड़ी बोलो जय। बाय। छोटी माँ खत्म हो गई। हाँ अभी खत्म हो गई, अब नहीं है। नहीं भी उठा कर बेटा। दूर है दोनों।
तो अभी जस्ट हम आ चुके हैं रावण को चला के, मतलब जो कहते हैं ना रावण दहन होता है उसको कर कर आ चुके हैं। और अभी हमें बनाना है डिनर, तो उससे पहले हमने जैसे अभी बज रहे हैं शाम के 7, तो 7 बजे के अप्रोक्सीमेट मैंने सोचा कि क्यों ना हम जोमेटो से ऑर्डर कर लें, क्योंकि कुछ दशहरा स्पेशल होना चाहिए। तो अभी मैंने जस्ट ऑर्डर किया है एक पिज्ज़ा, तो जो पिज्ज़ा मैग्रेटो जो करके होता है वो ऑर्डर किया है, एंड पाव भाजी ऑर्डर की है, एंड है हॉट डॉग। ये 3 चीज ऑर्डर की है हमने अपने तीनों के हिसाब से, क्योंकि गुड़िया कम खाती है और ये बच्चे थोड़ा हम कम खाते हैं और थोड़ा थोड़ा हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना दशहरा। हाय बिल्लू, बजुता था रे बिल्लू, बिल्लू बिल्लू का खा रहे, बिल्लू पिज्जा खा लेंगे पिज्जा। फैमिली दैट्स फॉर एट, ये था मेरा आज का ब्लॉग चौथा दशहरा सेलिब्रेशन का। और ये थोड़ा आपको डिले मिलेगा क्योंकि इसको मेरे को अभी पूरा एडिट करना पड़ेगा और काफ़ी छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो है, तो उसको शायद मेरे को करने में थोड़ा टाइम भी लगे इसीलिए। तो अभी चलते हैं, अभी बज रहे हैं रात के 9 और हमारी पिज्ज़ा पार्टी हो चुकी है। पिज्ज़ा मंगवाया था एंड हमने ऑर्डर किया था पिज्ज़ा के साथ में हॉट डॉग एंड पावाजी रोते को बहुत पसंद थी इसलिए ऑर्डर की थी। तो हो चुका है हमारा ये डिनर और इसके साथ हमने, क्योंकि पिज्ज़ा के साथ वो जो पिज़्ज़ा था वो जो था हैवी हो गया था, तो इसलिए अब उसके बाद हम कुछ नहीं खाने वाले हैं। और अभी हो चुका है टाइम, तो अभी जाने हैं दूध गर्म करना है, उसके बाद है सोने का टाइम, क्योंकि 10-11 बजे तक हम लास्ट सो जाएंगे क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। तो इसीलिए तो ये था मेरा ब्लॉग छोटू मोटा सा ब्लॉग जो दशहरा का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी आपको 1% पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय गाइस, सी यू सून गाइस, बाय।